शुक्रिया इमाम अंसारी साहब। आइए बिना किसी तमहीद के मैं आवाज दूं हमारे शहर के प्रथम नागरिक, स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और वो शख्सियत जो हम तमाम लोगों के दिलों में बसती है। इस शेर के साथ मैं उन्हें आवाज देता हूं कि आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है और खुशबू के जजीरों से ख्वाबों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, फकत तेरी कमी है। मोहतरम जावेद गुलाम अहमद अली साहब। स्वच्छ भारत अभियान 2018 की मौजूद विभिन्न महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता श्यामजी अग्रवाल जी, सभागृह नेता प्रशांत लाल, माननीय आयुक्त साहब, अतिरिक्त आयुक्त, माजी महापौर, सभी गट नेता, सभी नगर सेवक और यहां पर बड़ी तादाद में आए हुए तमाम हमारे स्कूल के प्यारे बच्चों और उनके साथ में आए हुए उनके टीचर्स, मैं अभी श्यामजी अग्रवाल जी ने कहा विजन के बारे में, जो विजन देखा जाए तो सही में इस देश के पंत प्रधान का विजन है, इस देश के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का विजन है और इस विजन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट चाहती है कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर्स, हमारे और जो वीआईपी पर्सन है जो फॉरेन में जाके आते हैं और फॉरेन में जब साफ सफाई का मामले से वो सोचते हैं, देखते हैं और अपने इंडिया के लोगों में जब वो इस बात को कंप्लीट करते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत पीछे हैं और उसी के माध्यम से कि विजन पंत प्रधान की जानिब से, मुख्यमंत्री की जानिब से ये विजन कंपटीशन के सूरत में शुरू किया गया कि तमाम शहर कंपटीशन में आगे आए। मैं श्यामजी अग्रवाल जी से कहूंगा कि सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात नहीं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो कंपटीशन है ये कंपटीशन भिवंडी की किस्मत है कि भिवंडी शहर पूरे महाराष्ट्र में सफाई के तालुक से सबसे पिछड़ा हुआ शहर, सलम एरिया के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ शहर, तमाम मामला से जूझता हुआ यह शहर, उसको एक कंपटीशन का एक मौका मिला है। क्योंकि हम जब जब मंत्रालय जाते थे एक टाइम में कब्रस्तान के मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सेक्रेटरी वन के इधर बैठा था, बेंजामिन साहब थे, बेंजामिन साहब का जो कहने का जो अंदाज था, अरे वहां कब्रस्तान की बहुत जरूरत है, तो मतलब क्यों साहब, बहुत गंदा शहर है। तो महाराष्ट्र के सेक्रेटरी वन लेवल पे बैठा हुआ आदमी जो भिवंडी में आया था या नहीं आया था मुझे नहीं मालूम, मगर उसकी सोच, उसकी मालूमात ये भिवंडी शहर को लेकर इस तरीके से थी। तो ये सोच को बदलने का मौका हमको ये कंपटीशन के जरिए मिला है और मैं समझता हूं तमाम लोग इसका फायदा लेंगे और खास तौर से जहां स्कूल के बच्चे काफी बड़ी तादाद में हैं, टीचर्स है, मैं खास तौर से उनको कहूंगा कि अपने स्कूल से इस बात पे आज हमारे महानगर पालिका के 97 स्कूल है और वो 97 स्कूल से शुरुआत होना चाहिए अच्छे साफ सफाई के, अच्छे बच्चों के जो शौचालय के मैटर है, पानी के मैटर है, ये तमाम मैटर पे आप लोग को डे टू डे ध्यान देना चाहिए और जब भी कभी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुए इमीडिएट अपने प्रशासन से हमसे कॉन्टेक्ट करके और उसको दुरुस्त करके लेना चाहिए ताकि कोई भी शौचालय का मैटर हो, दूसरे कोई साफ सफाई का मसला हो, तमाम मसले में आप हमसे जुड़िए और आप हमारे हम आपके साथ में हैं। जब भी आप आवाज देंगे लब्बैक कहेंगे हम लोग और आपके लिए खड़े होंगे। अगर मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि एक आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता,
हमको सबको एक जुट होके, हमको सबको एक साथ आके और इस शहर का जो नाम है उसको जो कॉम्बिनेशन के 434 शहरों में जितना ज्यादा से ज्यादा, आज हम 392 से 73 पे आए, उस दिन हम मुख्यमंत्री के मीटिंग में हम 78 पे थे, 78 पे थे, मगर आज उसके बाद 5 प्रधान और हम आगे आए, ये बहुत खुशकिस्मत की बात है। मगर मैं यही कहूंगा कि हमारा महापालिका का जो परिसर दिख रहा है इसी तरीके से पूरा शहर हमारा दिखना चाहिए और पूरे शहर में इस तरीके से हमको ये आयोजन करना है। और मैं जैसा हम हमारे महानगर पालिका के दीवारों पर जिस तरीके से हमने चित्रकला का कार्यक्रम किया, इस तरीके से हमारे मुख्य रास्ते के ऊपर हमारे ब्रिजेस है, वो ब्रिज के लिए दीवार है उसको भी इसी तरीके से अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसके ऊपर पोस्टर ना चिपके, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम करेंगे सब कुछ होगा और उसके बाद मालूम हो कोई भी लाके कोई पोस्टर लगाए, उसको बहुत सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए, बहुत सख्ती होना चाहिए। और मैं तमाम लोगों को जिस जवाबदारी से हमारे काउंसिल ने, हमारे आयुक्त ने जो जवाबदारी ग्रैंड एम्बेसडर के नाम से मुझ पर दी है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो आप लोगों के बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग पूरी तरीके से इसमें सहभाग दीजिए और इस शहर का नाम अव्वल शहरों के अंदर आना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट विनंती करके मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद जय महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शहर के प्रथम नागरिक और स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जावेद गुलाम मोहम्मद अली साहब ने नई उम्मीद की बात की, नए हौसले की बात की, नए विजन की बात की और उन्होंने भिवंडी के तमाम नागरिकों से ये अपेक्षा, ये उम्मीद बांधी है कि जो सोच उनकी है कि भिवंडी पूरी तरह से साफ सुथरी होनी चाहिए, हम जरूर बजरूर उनकी उम्मीद में खड़े उतरेंगे। आइए इस खूबसूरत और पॉजिटिव माहौल में अपने इस प्रोग्राम को खत्म करें। मैं असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरम भालेराव साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि तशरीफ लाएं और यहां पर आभार प्रदर्शन करें। उससे पहले जो